नमस्कार, हम डॉक्टर शरद गुप्ता, आईसीयू हेड एट अमृतधारा हॉस्पिटल करनाल। आज हम बात करेंगे स्नेक बाइट के बारे में। स्नेक बाइट, सांप का काटना, हमारे देश में काफ़ी कॉमन है और इससे लगभग 40 से 50 हज़ार डेथ हर साल होती हैं। कुछ चीज़ें हैं, अगर उनका हम ध्यान रखें तो हम अपने मरीज को काफ़ी हद तक एक सही उपचार दे पाएंगे और बचा पाएंगे। जब भी सांप काटता है तो कुछ चीज़ें हैं जो कि गलत अक्सर देखी जाती होती है, जैसे उस पर चीरा लगा देते हैं, कोई देसी दवाइयों का लेप लगाने की कोशिश करते हैं, झाड़ फूँक करने की कोशिश करते हैं, टाइट कपड़ा या धागा बांध देते हैं उसके आसपास। ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये हमारे मरीज को नुकसान पहुँचाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं देंगे। हमें जो चीज़ें करनी है हॉस्पिटल ले जाने से पहले, वो ये कि उस पार्ट को, सपोज हाथ पे या पाँव पे काटा है तो उसको स्थिर रखें। स्थिर रखने के लिए हम एक स्प्लिंट लगा सकते हैं, किसी भी लकड़ी से, किसी भी गत्ता, जो भी कुछ है उससे एक लूज हम एक स्प्लिंट बांध दें ताकि वो हाथ या पाँव अपनी जगह पर स्थिर रहे, हिले ना। दूसरा, उसे हमें अपने हार्ट के लेवल से नीचे रखना है। तीसरा, हमने मरीज को कहना है, बताना है कि भाई हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा, घबराए नहीं। ये 3-4 चीज़ें अगर हम करते हैं तो हम मरीज को बचाने में काफ़ी हद तक सक्षम रहेंगे। हॉस्पिटल जब उसको लाया जाता है, देखा जाता है कि उसमें किसी जहरीले सांप के काटने के लक्षण हैं या नहीं। अगर लगता है लक्षण है तो उसको एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है। एंटी स्नेक वेनम सांप के जहर का तोड़ है, अगर सही समय पर मिल जाता है तो हमारे मरीज की जान बच जाएगी। तीसरा जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि हमारे देश में करीबन 250 प्रजातियां सांपों की मिलती हैं, उसमें से 10 से 15 ही ऐसी हैं जो विषीली होती हैं, बाकी सारे नॉन पॉइजनस होते हैं, इसलिए हमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी जहरीले सांप ने काटा भी है, सही समय पर उपचार मिल जाएगा तो उसकी जान बच जाएगी। ये हुआ उपचार से रिलेटेड। अगर हमें इन घटनाओं को कम करना है तो कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल रखें तो ये घटनाएँ कम हो सकती हैं। जैसे घर के आसपास मलबा ना इकट्ठा होने दें, गाय भैंसों का जो चारा है, शेड है, उसको सोने के एरिया से, बैठने के एरिया से दूर रखें। अगर हम खेतों में जा रहे हैं तो हम गम बूट्स पहन कर जाएं, अगर ऊंची घास है गम बूट पहने, लाठी लेकर जाएं, रात में जा रहे हैं टॉर्च लेके जाएं, खुले में शौच ना जाएं। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो स्नेक बाइट के, सांप के काटने के इंसिडेंट्स भी कम होंगे और हम अपने मरीज को बचा भी पाएंगे। धन्यवाद।